इन दिशन के दर्शकों का हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इस वक्त हम उमरेड से नागपुर से उमरेड रोड के बीच में जो तितुर की तरफ जो रास्ता जाता है उस रास्ते पर है। झमाझम बारिश का मौसम है, जमकर यहाँ पर बारिश हुई है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त इस रास्ते में जो अवरोध है ये एक नदी है जिसका नाम खड़की है, ये पूरी तरह से भर चुकी है और आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से यातायात जो है इस तरह रुका हुआ है कि दोनों तरफ यहाँ पर जो टू व्हीलर खड़ी है ना ये उधर जा पा रहा है ना वहाँ के लोग इधर आ पा रहे हैं। पूरी तरह से जो आप देख रहे हैं इस नदिया का जो बहाव जो है ये बहाव भी इस कदर बढ़ चुका है कि यहाँ पर किसी भी तरह का आवागमन जो है वो पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुका है। पूरी तरह से हम अगर आसमान का भी रुख करें तो आसमान में अभी भी गहरे बादल है और फिर से बारिश के आसार अगर नजर आते हैं। अब इसमें कितना समय लगेगा कि ये जो अवरोध है ये जो नदी का बहाव है कब तक थमेगा, कब तक इसमें रुकाव आएगा ये बता अभी इस वक्त बताने की स्थिति में नहीं है। और इस वक्त हमारे साथ में जो नागरिक है जो गांव से जो जा रहा है कि आपके घर से कितना समय लग सकता है ये नदी को बहाव खत्म होने में? 2 घंटे लगेंगे। और 2 घंटे लगेंगे पानी नहीं आया तो? अगर पानी नहीं आया तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? नागपुर मोहाड़ी के। आप अभी कहाँ जाने के लिए निकले हैं? कलमना जाने के लिए निकले। अगर ये 2 घंटा बहाव नहीं रुके तो फिर क्या आप वापस चले जाएंगे? उस किनारे पर जो लोग दिख रहे हैं वहाँ पर वो लोग भी वहाँ पर मोहाड़ी गांव के होंगे। अब अगर ये 2 घंटे अगर ये बहाव नहीं रुकता तो कैसे आएंगे? फिर वापस जाना पड़ेगा उनको। वापस जाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं। इतने बहाव में जो मैं दर्शकों से बताना चाहूंगा कि ये जो बहाव देख रहे हैं कम से कम 2 फीट के ऊपर का ये पानी है और ये 2 फीट के इसमें बहाव का जो फ्लो है वो फ्लो इतना ज्यादा है कि इस फ्लो में ना आदमी पैदल चलने की हिम्मत कर सकता है ना ही यहाँ से कोई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर गाड़ी यहाँ से आसानी से जा सकती है। और भी हमारे साथ में यहाँ पर जो है यातायात में फंसे हुए हम उनसे भी बात करते हैं। सर मैं आपसे बात करना चाहूंगा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? नागपुर जी। आप रोज आना जाना करते हैं? हाँ। तो आज आप कैसे कैसे करेंगे आप? जैसे कि हमारे जो यहाँ गांव के लोग बोल रहे हैं कि 2 घंटे लगेंगे। मैं अभी वेट करूंगा, अगर 1-2 घंटे में ठीक हुआ ठीक है जी तो मेरे अंकल यहाँ पे रहते हैं गाँव में, उनके यहाँ पे रह जाऊंगा। तो ये अब मजबूरी हो गई। और देखिए अब आप अगर आसमान की ओर देखेंगे तो बादल अभी भी घने छाए हुए हैं और हो सकता है कि